ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರುವ ಚತಾಮ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಮಿಲ್ಲಲ್ಲಿದೆ. ಇದರ ವಿಶೇಷತೆ ಏನಂದರೆ 1883 ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗಿರೋದು. ಇಡೀ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿರುವಂಥದ್ದು ಮತ್ತು ಹಳೆಯದಾಗಿರುವಂತಹ ಸಾಮಿಲ್ ಅಂದರೆ ಅದು ಚತಾಮ್ ಸಾಮಿಲ್. ಬ್ರಿಟಿಷರು ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಲೋಕಲಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೋಬೇಕಾದ್ರೆ ಏನು ಸಾಮಾನುಗಳು ಬೇಕೋ ಅದನ್ನು ತಯಾರು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಮಿಲ್ಲು ಕೊಟ್ಕೊಂಡಿರುವಂಥದ್ದು. ಅದು ಇವತ್ತಿಗೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರದ ಅಧೀನತೆಯಲ್ಲಿ ತನ್ನ ಕಾರ್ಯವನ್ನು ನಿರ್ವಹಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಒಳಗಡೆ ನೋಡೋಣ ನಾವು ಏನು ವಿಶೇಷತೆ ಇದೆ. ಸೈಡಿಂಗ್ ನೋಡ್ಕೊಂಡು
वैसे यहाँ पे देखिए चातम समूह में सिर्फ 24 रूट्स को हम लोग संभाल लेते हैं। सब लोग सागवान का नाम तो सीएम बनेगा जो टी कोड बोलते हैं, हर स्टेट में सागवान का नंबर वन पोजीशन पे होते हैं। वैसे सागवान को हम लोग अंडमान में देखिए 4th नंबर पर रखे इस्तेमाल करते हैं। सागवान से भी बेस्ट क्वालिटी वो अंडमान में मिलता है, इसको पड़ाकू बोलते हैं। पड़ाकू में सागवान से 4 गुना बेस्ट क्वालिटी वुड होते हैं। इस पर 400 साल तक दीमक नहीं लगते और ये वाटर रेजिस्टेंट होती है। पहले के समय में पूरे इंडिया में जो रेलवे ट्रैक के बीच में जो स्लीपर्स होते थे वो सभी अंडमान और निकोबार का इसी पड़ाकू का बना हुआ स्लीपर्स होते थे। और ब्रिटिशर्स केवल इसी पेड़ के लिए चातम सॉमिल को चालू किया गया था 18th सेंचुरी के। आप लोग सभी बंकिंग ऑफ पैलेस का नाम तो सुने होंगे ना, तो पैलेस के अंदर जो भी इंटीरियर फर्नीचर है सिर्फ फर्नीचर्स को रेडी करने के लिए अंडमान से पेड़ को कट करने के लिए इस मिल को चालू किया गया था। और इस पेड़ का पर क्यूबिक मीटर का जो कॉस्ट है 98,000 रुपीज़ पर क्यूबिक मीटर। ये अंडमान का सबसे एक्सपेंसिव पेड़ है। इनसे देखिए हैंडीक्राफ्ट एंड फर्नीचर आइटम को रेडी किया जाता है। वैसे सेकेंड कैटेगरी वुड टिंगम टॉम्पिंग, गोट का बॉडी और गोट का जो बॉडी होते हैं उनको बनाने के लिए दोनों का इस्तेमाल होता है। देखिए जो टिंगम एंड टॉम्पिंग जो है इससे बोट का बॉडी एंड ट्रक का जो बॉडी होता है उनको बनाने के लिए इन दोनों का इस्तेमाल होता है। वैसे यहाँ पे देखिए महोबा गर्जन बादाम नाम तो सुने होंगे ना बादाम पेड़ का, इन तीनों का हम लोग जब भी कट करते समय बहुत सारा साउडस्ट निकलती है, डस्ट को हम लोग कंप्रेस करके सिंथेटिक गम अप्लाई करके यहाँ पे प्लाईवुड बनाते हैं, बिल्डिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं। वैसे 4th कैटेगरी वुड व्हाइट ट्यूब ब्रह्मावती, ये दोनों पेड़ बहुत ही आईटी होते हैं। पूरे इंडिया में माचिस का तिल्ली एंड टूथपिक जो होते हैं उनको बनाने के लिए दोनों का इस्तेमाल करते हैं, मगर अलग अलग स्टेट्स पे अलग अलग नाम से जानते हैं। सर जो मिस हुआ मैं आपको लास्ट पे बता देता हूँ। और वैसे यहाँ पे देखिए यहाँ पे जितना भी 24 टाइप का वुड इस्तेमाल हो रहा है अंडमान से रॉ मटेरियल पे नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट। अंडमान से कोई सा भी स्टेट में हम लोग भेजा नहीं जाता और कोई सा भी स्टेट से अंडमान में लाया नहीं जाता, सर सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है। जैसे कि रेडी हुआ जो मटेरियल है उनको सिर्फ अंडमान में परचेस करके बिल का थ्रू से अंडमान से बाहर स्टेट लेके जा सकते हैं, ऐसा नॉर्मली रॉ मटेरियल पे ऐसा परमिशन नहीं है। टोटल जो है 572 आइलैंड्स हैं और उनमें सिर्फ 37 आइलैंड पे लोग रहते हैं, इनहैबिटेड है, बाकी जितना भी है सब यहाँ का जंगल है। और जंगल में जो पेड़ अपने आप लोग गिर जाते हैं उनको ही कट करके चातम आइलैंड पे लाके उनका इस्तेमाल होता है। नॉर्मली फॉरेस्ट में पेड़ को काटना बैंड किया गया है। 37 आइलैंड पे हम लोग 6 आइलैंड पे विजिट नहीं कर सकते क्योंकि 6 आइलैंड पे 6 अलग अलग टाइप का आदि मानव रहते हैं। देखिए अंडमानी सोंगी जरावा सेंटिनेलिस इन चारों का पॉपुलेशन देखिए 14 के सेंस पे दिया गया है, ऐसे निकोबारी सोंगपेट जिनका 11 के सेंस पे दिया गया है। इनमें से आप लोग जरावा का नाम तो सुने होंगे ना, ये क्या है 5712 मतलब नहीं 100 में निकाल 57 उनका पॉपुलेशन है, टोटल पॉपुलेशन इतनी है। और इनमें से आप लोग जरावा का नाम तो सुने होंगे ना जरावास, ये जो जरावास है आप लोग जब मड बांध के लोग देखने 12 टंग आइलैंड जाएंगे तो उससे पहले जिरगाटंग का फॉरेस्ट आते हैं, उस फॉरेस्ट में जरावास आपको लकीली दिखाई पड़ेंगे, एकदम काले होते हैं और सर पे रेड कलर का रिबन बांधे होते हैं। आज का डेट के लोग थोड़ा बहुत डेवलप हुए, इन्होंने ड्रेसिंग पहनने लगे और यहाँ का लैंग्वेज हिंदी है, अभी थोड़ा बहुत बोलने लगे, पहले के समय पे वैसा कुछ नहीं होता था। और वैसे सेंटिनेली जो है मोस्ट डेंजरस होते हैं, आप लोग रिसेंटली कोई न्यूज़ सुने होंगे जो अमेरिकन को बीच में मारा गया था, इन्हीं लोग थे। ये लोग नॉर्मली कोई सिविलियंस को देख लेते तो फट से पॉइजन वाला आर्म्स डाल के मार देते भाई, तो बहुत डेंजरस होते हैं। इनका आइलैंड पर कोई जाते नहीं है और इन लोग आइलैंड छोड़ के बाहर आते भी नहीं है, बहुत डेंजरस होते हैं। आज के डेट पर सिविलाइज नॉर्थ सेंटिनेलिस आइलैंड का नाम है सेंटिनेलिस, इसे सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ ट्राइबल्स निकोबारीज है। अंडमान में मोर देन 60% गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है और आजकल इंटर कास्ट मैरिजेस करने लगे हैं, इतने ज़्यादा डेवलप हो गए। और देखिए इनका साथ सबसे हमने इनका पॉपुलेशन दिया गया है और सब 100 में ही है, सिर्फ इन लोग 1000 के, इन लोग बहुत डेवलप हुआ है। और वैसे अगर देखिए पूरे पॉपुलेशन को भी इनको भी पूरा मिला है, लेकिन ये जो है फिर वो ये कौन है माइग्रेटेड है सर, बाकी जितना भी जो बड़े ना सब माइग्रेट होते हैं, जैसे कि साउथ साइड से कलकत्ता से चल रहा है। वैसे अगर देखिए पूरे डिस्टेंस में सी दिया गया है, कोटला टू कलकत्ता चेन्नई बाई विशाखापट्टनम जो बोलते हैं, आप लोग कोई से भी स्टेट से बाई सी से ट्रैवल करके आते हैं बाई सी से, तो आपको अंडमान पहुँचने के लिए 4 डेज का ट्रैवल होगा कोई सभी स्टेट से। वही आप लोग बाई एयर से आते हैं 2 आवर्स में, यहाँ 3 आवर्स में आप अंडमान पहुँच जाते हैं, मगर डिस्टेंस कंपेयर करेंगे तो सी का डिस्टेंस है यहाँ एयर का जो डिस्टेंस है वो ज़्यादा ही होगी। और वैसे यहाँ पे देखिए जो चेन बना हुआ है ये वुडन का चेन है जो सिंगल कन्वेस करके बनाया गया है, आप लोग पूरा चेन को देखेंगे आपको कहीं में जॉइंट्स नहीं दिखेगा, बिना नर्स को पूरा चेन को बनाया गया है सिंगल चेन।
कोई पड़ाकू उड़ती है, ये सिर्फ आपको अंडमान में देखने मिलेगा। पड़ाकू ट्री क्या हो? पड़ाकू जो गैप दिख रहे हैं ना, हाँ। गैप के अंदर ना फोर लोग एकदम फ्रीली खड़े हो सकते हैं, इतना बड़ा इतना बड़ा रहता है, बहुत बड़ा पेड़ होती है। आप लोग देखेंगे हैवलॉक पे बहुत सारा बहुत मोटा मोटा पेड़ होता है। आगे स्टेट बर्ड सारा एनिमल्स का मेला होता है, उस मेले में मेल एंड फीमेल सिर्फ टू एलिफेंट्स को परचेस कर कर देखिए ट्रक में चढ़ा के फिर कलकत्ता आर्बर, आर्बर के बाद देखिए क्रेन कर अंडमान की शिप में चढ़ा देते हैं, उसका बाद ही अंडमान में लाएगा। अभी प्रेजेंट अंडमान में 23 एलिफेंट्स है, सब उन दोनों का जनरेशन पीरियड है। आप लोग सभी एलिफेंटा बीच का नाम सुने होंगे ना, राधानगर बीच से जो पहले आते हैं वो स्टार्टिंग टू एलिफेंट्स को बीच पे लाया गया था, इसलिए आज का डेट उस बीच को एलिफेंटा बीच बोलते हैं। और वैसे आप देखिए जो बफेलो को यूज़ कर रहे हैं आप लोग को नीचे आप लोग बारह को जाएंगे ना, आप एलिफेंटा बीच में और फिर जो फॉरेस्ट को देखेंगे राधानगर का जो फॉरेस्ट है उसको देखिए सामने देखिए इनको ट्रेन किया जाता है। अच्छा देखिए जो है अंडमान में सबसे पहले जो है डच कंट्री का राज चलता था, डच मीन नेदरलैंड से करता था, अंडमान में डच आए थे उन्होंने अपने कंट्री से लोग अंडमान में लाया गया था। लाने का भी एक रीज़न था, अंडमान और निकोबार में खमोटा बोल के एक सेपरेट आइलैंड है, उस आइलैंड पे डेयरी को स्टैब्लिश कर सके मिल्क पर्पज़ से लाए गए। और आज का डेट में उस आइलैंड पे इतने बड़े बड़े सीरे को बफेलो पाए जाते हैं। और बच्चे यहाँ पर देखिए जो टेबल बना हुआ है ये वुडन का कैंसर पार्ट है जिनको बोलते हैं बर्ड फॉर्मेशन। अभी जैसे कि ह्यूमन बींग्स में अलग अलग टाइप का जो बीमारी होती है, वैसे हर पेड़ में भी अलग अलग टाइप का डिसीज़ होता है। आप लोग सुने होंगे ना जो भी हम लोग पेड़ को काटते हैं उसका रिंग्स होता है ग्रेन साइज पता करने के लिए, अगर जो भी कैंसर वो पार्ट को कट करेंगे तो देखिए आपको कहीं में भी रिंग्स नजर नहीं आएगा, सब फेड हो जाते हैं, अंदर का जो कलर होते हैं वो नेचुरली चेंज होने लगता है। जैसे आप लोग फॉरेस्ट में देखेंगे जो बड़े बड़े छोटा सा नॉट होता है गोल टाइप का, वैसे हम लोग पड़ाकू का नॉट को कट करके उसे टेबल की तरह बनाया गया। आप लोग जस्ट इमेजिन करिए पड़ाकू का छोटा सा नॉट इतना बड़ा है, वैसे में पड़ाकू का पेड़ कितना बड़ा हो सकता है। सर आप लोग फोटोग्राफी कर दीजिए सर, लोग दो पॉइंट मिलते हैं। आइलैंड देखिए बहुत ही छोटा आइलैंड है, वहाँ से स्टार्ट यहाँ से खत्म, पूरे अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे टोटल जो है 572 आइलैंड सर, उनमें सिर्फ 37 आइलैंड पे लोग रहते हैं इनहैबिटेंट वाले, और इन 37 आइलैंड पे सबसे छोटा आइलैंड है सबसे मेन आइलैंड है। इसी आइलैंड के एशिया का सबसे बड़ी और पुरानी आरा मिल को बनाया गया था, कॉमिल को 1883 में ब्रिटिशर्स ने स्टैब्लिश किया गया था। आप लोग सभी सेलुलर जेल जो विजिट करे आइलैंड पे जो है ना उनका मेन बेस बनाए थे, उसके बाद लास्ट पे जाके उस सेलुलर जेल को स्टार्ट किया गया था 1896 में, उसको पूरे कंप्लीट करने में लगभग 10 साल लग गए थे, 1906 में कंप्लीट हो गया है। उसका बाद जितना भी बैच अंडमान में जो आते थे उन सभी को उसी जेल पे रखते थे, तो स्टार्टिंग बैच इतना स्ट्रगल करके इतना कुछ बना के गए थे उन सभी का याद में सामने देखे एक मेमोरियल, उस मेमोरियल को बनवाया गया था चाताम मेमोरियल। और वैसे आप लोग अंडमान में बहुत अलग अलग आइलैंड का नाम सुने होंगे, जैसा कि हैवलॉक, नील, नॉर्थ बे, जॉली बे, पोर्टलर आइलैंड, चाथम आइलैंड, सभी अंग्रेज का नाम ही है, ब्रिटिशर्स का नाम ही है। इनमें से रिसेंटली तीन आइलैंड का नाम चेंज हुआ है, मोदी जी आकर चेंज कर गए थे। रोज आइलैंड का नाम जो है नेताजी सुभाष चंद्र बोस से चेंज हुआ है, और हैवलॉक का जो है स्वराज नाम से, और नील आइलैंड को शहीद नाम से चेंज कर गए थे। और वैसे अंडमान में सबसे पहले जो है ना डच कंट्री का राज चलता था, डच मीन्स आज का डेट पे नेदरलैंड से जानते हैं, उसका बाद जो है पोर्चुगीज राज कर रहे थे, उसका बाद ब्रिटिशर्स, पूरे ब्रिटिशर्स अंडमान एंड निकोबार आइलैंड पे टोटल जो है 180 ईयर्स का कंट्रोल कर रहे थे। उनका पीरियड पे सिर्फ 3 साल के लिए जापनीज का कंट्रोल था। एग्जैक्टली डेट जो है 22 मार्च 1942 से 7 अक्टूबर 1945 तक। हाँ जी एक सेकंड आता हूँ, बेस नहीं आता काम नहीं है, बंकर तो नहीं है, बंकर ड्रॉप किया गया था, उनमें से 70 बॉम्ब जो इसी चाथम आइलैंड पे ड्रॉप हुआ है उनसे बचने के लिए जापनीज ने इस आइलैंड पे बंकर को बनवाया गया था। बंकर में इस बॉम्ब से बचने का प्लेस होता है। No, 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 no,
ಹತ್ತು ಬೇಡ, ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರ್ತದೆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ. टूर दिख रहा है ना, पहले के समय पे टूर वगैरह कुछ नहीं होता था, पूरा बंद था और अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता था. डोर का ठीक सामने देखिए छोटा सा रास्ता बना हुआ है, दिख रहा है ना सामने छोटा सा टनल का तरह. जापानी जो है ना बहुत नाटे नाटे और बहुत पतले पतले होते हैं, उनको साइज के हिसाब से इस रास्ता को बनवाया गया ताकि कोई और पर्सन अंदर ना जा सके. उनको पहले के समय पे ऐसे स्क्रॉल कर अंदर जाना पड़ता था. और ये बंकर जो है पहले के समय पे पूरे जिगजैग में समुद्र का जट्टी से कनेक्ट होती थी, अगर ज्यादा ही कुछ प्रॉब्लम होते हैं यहाँ से अंदर जाके आइलैंड छोड़ के बात जाता था. इसका जस्ट 2% रखा गया बंकर. क्या चीजें दिखाने के लिए आप लोग पहले अंदर देखेंगे, अंदर से मट्टी डाल के बंद किया गया. वो रास्ता जो ना पूरे जिगजैग में समुद्र के जट्टी से कनेक्ट होती थी. ज्यादा कुछ बॉम्बिंग से प्रॉब्लम होता है, डेंजर अगर लगते हैं तो यहाँ से अंदर जाके आइलैंड छोड़ के भाग जाते थे. व्हाइट कलर का पेंट लगा हुआ है सामने वाला, ये अंडमान का स्टेट ट्री है जिनको बोलते हैं पडांग ट्री. ये देखिए आप लोग सभी सागवान का नाम तो सुने होंगे ना, टीकुट जो बोलते हैं. टीकुट यहाँ पे 4th नंबर पे आता है. टीकुट से भी बेस्ट क्वालिटी वुड है, इसको पड़ाकुर बोलती है. जस्ट 2 या 3 इयर्स का होगा, मगर एक पड़ाकुरी को रेडी होने में 90 to 120 इयर्स लग जाते हैं. तब तक इसकी जो हाइट है 40 मीटर तक होती है और इसकी जो डायमीटर है 2 मीटर से 4 मीटर तक हो सकती है. और एक पेड़ का जो कॉस्ट है 15 to 17 lakhs का बीच में होगा. और ब्रिटिशर्स ने इसी पेड़ को इस्तेमाल करके पूरे मिल का स्ट्रक्चर को बनवाया गया था. वैसे अभी लोग मिल का अंदर चल के देखेंगे, आप लोग मिल का जितना भी स्ट्रक्चर को देख सकते हैं सभी वुडन का बना हुआ स्ट्रक्चर आपको नजर आएगा. कहीं में भी आयरन का इस्तेमाल नहीं किया गया है. ठीक है सर, नट बोल्ट मीन्स कॉमन पार्ट होता है, बाकी जितना भी स्ट्रक्चर है सभी वुडन का ही है. चलिए देख लेते हैं. पहले सुन लीजिए, लास्ट में आराम से कर लेना. हाँ सर देखिए, मैंने आपको पड़ागुट का बारे में क्लियरली बताया था. पड़ागुट के एक छोटा सा प्लैंक को यहाँ पे रखा गया है. पड़ागुट का जो कलर्स होते हैं वो 2 कलर में होते हैं. जब भी हम लोग एक लॉक्स को काटते समय जो स्टार्टिंग का पोर्शन होता है वो लाइट कलर पे होती है, और जितना हम लोग डीपली काटते जाते हैं उसका कलर उतना ही डार्क होती है, जो रेडिश में होता है. और पहले के समय पे पूरे इंडिया में जो रेलवे ट्रैक के बीच में जो स्लीपर्स होते थे वो सभी अंडमान और निकोबार का इसी पड़ागुट का बना हुआ स्लीपर्स होते थे. और आज का डेट पे अंडमान से रॉ मटेरियल भेजा नहीं जाता, नो इम्पोर्ट नो एक्सपोर्ट. अंडमान से कोई सा भी स्टेट में हम लोग भेजा नहीं जाता और लाया नहीं जाता, ऐसा सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है. तो आज का डेट पे बाहर स्टेट पे देखे होंगे आप लोग जो कॉन्क्रीट का बना हुआ स्लीपर्स नहीं तो आयरन का बना हुआ स्लीपर्स डालते हैं. छोटे से प्लान किया आप लोग, इसका डेंसिटी देख सकते, वेट देख सकते, सिंगल हैंड से लिफ्ट करिए वेट पता चलेगा. ನೋಡ್ಲಕ್ ತುಂಬಾ ಲೈಟ್ ಕಾಣುತ್ತೆ ಬಟ್ ಹೆವಿ ಇದೆ. ಮತ್ತೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಆಗಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬಿಡ ಸರ್ ನೋಡ್ರಿ. ಜೋರ್ಸೆ ಪಕಡಿ जो भी न्यू बनाया गया है, जो 200 लोग आए थे ना उन्हीं लोग ने बनाया था ना. ड्रॉप किया जाता है यहाँ पे नेचुरली सीजनिंग होता है. सीजनिंग का यह बेनिफिट होता है कि जो भी रॉक्स के अंदर इंसेक्ट और जो फंगस होती है सब नेचुरली क्लीन हो जाती है. काटते समय लगते हैं ना पट्टे नहीं है, बहुत हार्ड हो जाता है. ये प्रोसेस 7 to 15 डेज का भी होता है. कंप्लीट होने के बाद ऊपर लास्ट में देखिए यो टिक रहे दिख रहे हैं ना, वो ग्रेन का मतलब कि बड़े बड़े रॉक्स क्लीन करके गैलरी पर चढ़ाया जाता है. उसके बाद हर एक रॉक को अंदर लिया जाता है. हर एक रॉक्स की नंबरिंग होती है. नंबरिंग के हिसाब से सामने देखिए ग्रीन कलर का मशीन है ना, उस मशीन के ऊपर बड़े बड़े रॉक्स को चढ़ाया जाता है. वो लॉक को लेकर आगे मूव करते हैं और सामने एक ब्लेड होती है, 72 इंचेस का ब्लेड है. ऊपर एक व्हील होती है, वैसे एक व्हील नीचे भी होती है. पूरा ब्लेड कन्वेयर बेल्ट की तरह फिट होती है. उस
मशीन का पूरा आरपीएम जो पर मिनट को 9000 फीट इजीली घूम लेती है, पर मिनट में 9000 फीट घूमती है। यहाँ पे बड़े बड़े लॉट को स्लैब किया जाता है। पूरे मशीन को एट्रिंग मशीन बोलते हैं, जो 1984 में यूके से लाकर इंस्टॉल किया गया था, और तब के समय पे इस पूरे मशीन की कॉस्ट आकर 40 लाख रुपए थी, और ये अंडर एस्टिमेट वर्क से रन होती है। अब ये स्टार्ट करेंगे, फिर देखते हैं बच्चों को आर्ट वगैरह से आराम से चलिए। இருப்பட்ட கும்பல வேணும் உங்களுக்கு ஓடுபடாது.